अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग के बारे में आज हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डीएनएस एड्रेसिंग के बारे में और एड्रेसिंग स्कीम्स के बारे में, ठीक है। तो एड्रेसिंग स्कीम्स में हमारे पास सेकेंड टाइप है आईपी एड्रेसिंग की, ठीक है। तो आईपी एड्रेसिंग को इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो आईपी एड्रेसिंग के हवाले से हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं। आईपी एड्रेसिंग के सबसे पहले आप देखें कंटेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक के आईपी एड्रेसिंग क्या होती है और ये किस फॉर्मेट में होती है, इसके क्या क्या चीज़ के लवाजमात हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग के, इसके कितने वर्जन हैं मार्केट में जो चलते हैं, जो हम मार्केट में यूज़ करते हैं, ठीक है, आईपी एड्रेसिंग के। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग के, आईपी एड्रेसिंग की कितनी टाइप्स है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेसिंग के, आईपी एड्रेसिंग की तारीफ, ठीक है, वो क्या होती है। सबसे पहले देखें आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं पहले भी कि आईपी से क्या मतलब होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट एन आई पी एड्रेस इज़ अ यूनिक एड्रेस ऑफ अ कनेक्टेड डिवाइस, कि आपकी कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है इंटरनेट पे आपस में दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो उसका एक यूनिक एड्रेस होगा। यूनिक मतलब सबसे अलग, ठीक है, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट एक एड्रेस होगा, उसको हम कहते हैं आई पी एड्रेस। इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डिवाइस और कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस, प्रिंटर, प्लॉटर, कुछ भी जो डिवाइस आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी शनाख्त एक अलग बनाने के लिए आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आईपी एड्रेस का इस्तेमाल। उसके बाद हम देखेंगे, अभी ये एक छोटी सी डायग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा आपका मूड रिफ़्रेश करने के लिए, ताकि आपको पता भी चले। तो इसमें देखें हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो हमारी इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, बल्कि इंटरनेट से क्या जुड़ी हुई हैं, बल्कि डिवाइसेस सारी आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। इंटरनेट पर जितनी भी डिवाइस होती हैं वो सारी आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई पी एड्रेसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वो देखें, ये डिफरेंट पाथ आपको नज़र आ रहे होंगे, पाथ, इसमें ये सारे पाथ जितने भी रास्ते हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे इन डिवाइसेस को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इनके साथ देखें आपके पास ये पीछे बड़े बड़े ये सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो इनको जोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो इनकी कम्युनिकेशन करवा, जहाँ से ये डाटा लेते हैं, जहाँ पर डाटा सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सारी आपके पास, हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, राउटर है, ठीक है, प्रिंटर है, वो सब डिवाइसेस आपकी किसके ज़रिए कनेक्टेड होती हैं, आईपी एड्रेसिंग के ज़रिए, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग क्या है, ये डिवाइस का एड्रेस होता है कि जो भी डिवाइस आपकी नेटवर्क में कनेक्ट हुई हुई है। चलो नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह। अभी हम देखेंगे वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है, इसके कितने वर्जन्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल। सो इसके दो वर्जन हैं बेटे, ठीक है, दो वर्जन इसके आईपी एड्रेस के होते हैं, तो हम दोनों वर्जन को देखेंगे। पहला है आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4, उसके बाद दूसरा है आईपी वर्जन 6, ठीक है। दो वर्जन हैं मार्केट में जो चल रहे हैं आईपी के, एक आईपी वर्जन 4 एंड एक आईपी वर्जन 6। अब दोनों में क्या फ़र्क है ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, और दोनों कैसे होते हैं, इनके यू कैन से के इनको लिखने का तरीका क्या है दोनों को, वो भी देखेंगे। दोनों में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी हम देखेंगे, और दोनों के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो आई पी वर्जन 4 पहले हम पढ़ेंगे। तो आई पी वर्जन 4 एड्रेस, ठीक है,
एन आई पी वर्जन फोर एड्रेस इज़ अ 32-bit नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, 32-bit का नंबर होता है। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, इसमें आपके पास कितने बाइट हो गए 32-bit में, 32-bit में हो गए हमारे पास, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8-bit होते हैं, तो 32-bit इज इक्वल्स टू 4 byte, 32 divided by 8 ठीक है इज इक्वल्स टू 4 bytes। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 parts। ठीक है, 32-bit को क्या किया गया है, 4 parts में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट हैव 8 bits, हर पार्ट में कितने बिट्स होते हैं, 8 bit होते हैं, और हर पार्ट को क्या कहा जाता है, ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट, ऑक्टा से निकला है ये, ऑक्टा से। ठीक है, ऑक्टा हमें पता है कि ये लैटिन वर्ड, इसमें हम कहते हैं 8 को। ठीक है, ऑक्टा। तो ये जो 4 part हैं, तो हर पार्ट को क्या कहा जाता है, ऑक्टेट। अब ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय डॉट। ठीक है, चार हिस्से हैं, चारों हिस्सों को किससे सेपरेट किया जाता है, डॉट के साथ। ठीक है, द वैल्यू आर रिटन इन डेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में वैल्यू लिखी जाती हैं फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, क्योंकि बाइनरी वैल्यूज़ को पढ़ना, याद करना मुश्किल होता है, इसीलिए उनको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। वैसे डेसिमल फॉर्म भी याद करना मुश्किल होता है, ठीक, लेकिन बाइनरी से थोड़ा सा आसान हो जाता है डेसिमल फॉर्म को। तो द वैल्यूज़ मे बी फ्रॉम 0 to 255। ठीक है, वो आपकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 0 से लेके 255 तक, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, वो 0 से लेके 255 के बीच में होंगी। ठीक है, 255 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती वो। ठीक है, ओके, एग्जांपल देखें, आईपी एड्रेस की एग्जांपल के कैसे लिखा जाता है, कौन सी एग्जांपल आप बताएंगे, किसी को पूछ लेता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, किस फॉर्म में होता है वो, इसकी एग्जांपल देख लें एक। ये देखिए 192.168.10.1। ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, मतलब कि हर, देखें इसमें चार हिस्से हैं, तो हर हिस्से में आपके पास क्या है, ये देखें आपके पास, ये बड़ा सा मैंने डायग्राम आपके शेयर की है, इसमें देखें आपके पास हर आईपी एड्रेस के इसके आईपी एड्रेस के 4 हिस्से हैं, एक ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अभी 4 हिस्से हैं, तो हर हिस्से को क्या कहा जाता है, ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट की बाइनरी वैल्यू देखें, 185 की बाइनरी वैल्यू नीचे लिखी हुई है ये वाली। ठीक है, ये इसकी बाइनरी वैल्यू है, इसकी ये बाइनरी वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारे बाइनरी वैल्यू, तो हर देखें आपके पास, इसमें हर एक सिंगल डिजिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 bit को कर रहा है रिप्रेजेंट। ठीक है, 1 bit, तो मतलब इसमें कितने बिट हैं, ये वाले, ये कितने बिट हैं, 8 bit, ये भी 8 bit, ये भी 8 bit, ये भी 8 bit। ठीक है, तो 8 bit से क्या मिलता बनता है, 1 byte। ठीक है, 1 byte बनता है 8 bit से, 1 byte। ठीक है, तो ये कितने byte हो गए हमारे पास टोटल मिला के, ये टोटल हो गए 4 byte। ठीक है, 4 byte टोटल हो गए, तो 4 byte से हमारा कितने बिट बन गए टोटल, ये कंप्लीट 32 bit। ठीक है, तो आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं, 32 bit होते हैं। ठीक है, तो 32-bit का आपका ये आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है। ओके, अब आईपी वर्जन 6 का एड्रेस कैसे होता है, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, अब आईपी वर्जन 4 के हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो आईपी वर्जन 4 का एड्रेस जैसे आपको दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह क्या होता है। अब एन आईपी एड्रेस हैज़ 2 parts। अब इस आईपी एड्रेस में 2 part होते हैं, एक होता है नेटवर्क पार्ट, एक होता है होस्ट पार्ट। ठीक है, अब देखें कि फास्ट आपके पास दुनिया भर में कितने ज़्यादा नेटवर्क हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उन नेटवर्क्स को शो करने के लिए आप आईपी एड्रेस में नेटवर्क का एक हिस्सा रख देते हैं, जिसके ज़रिए हम नेटवर्क को शो करते हैं, और एक होता है होस्ट पार्ट। अब हर नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेज कनेक्ट हैं। ठीक है, तो उन डिवाइसेस को दिखाने के लिए हम एक उसका बना देते हैं होस्ट पार्ट। ठीक है, तो नेटवर्क पार्ट क्या होते हैं, सेम नेटवर्क, अगर आपका एक नेटवर्क है ना, उसमें हर डिवाइस का नेटवर्क पार्ट सेम रहेगा। देखें, अब इसकी एग्जांपल ऐसे देखें कि आपके पास फास्ट सपोज एक लैन है, लैन नेटवर्क है, लैन में हमारे पास 10 computer जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, 10 computer, तो उन 10 computer का नेटवर्क पार्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन उनका होस्ट पार्ट 10 computer का अलग अलग होगा। अब ओके, ठीक है, मतलब कि नेटवर्क पार्ट एक सेम नेटवर्क में सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, होस्ट पार्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, तो होस्ट पार्ट को हम देखेंगे, नेटवर्क पार्ट भी होस्ट पार्ट में। ओके, आईपी वर्जन 4 कैन प्रोवाइड
कितने एड्रेस दे सकता है हमें ये, 2 पावर 32। ठीक है, कितनी इसकी आपकी देखें ना आईपी, इसका जो आईपी एड्रेस है वो कितने बिट का होता है, 2 पावर 32 बिट का। ठीक है, मतलब कि 32 बिट का होता है, तो 2 पावर 32, तो आपके ये देखें कितने एड्रेसेस बनते हैं, ये बनते हैं तकरीबन 4 अरब से ज़्यादा एड्रेसेस हैं, 4 अरब से ज़्यादा। ठीक है, तो इतने ज़्यादा एड्रेसेस ये हमें प्रोवाइड करता है IPv4। लेकिन लेकिन अब देखें कि इट लैक्स एड्रेस स्पेस, लेकिन अभी भी देखें इसकी क्या है, एड्रेस स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है जी? क्योंकि आप देखें डे बाय डे हर रोज़ कितने कंप्यूटर, कितने लैपटॉप, कितने मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में साथ साथ ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, यूजेज हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारा इस्तेमाल डिवाइसेस का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इतनी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं दुनिया में, जो जो तरक्की हो रही है आपकी, ये जो इंटरनेट डिवाइसेस हैं बढ़ती जा रही हैं, तो उन सब डिवाइसेस को अकोमोडेट करने के लिए ये स्पेस बहुत कम है। ये जो आपके पास हिंसा लिखा हुआ ना, ये वाला हिंसा आपके पास अभी भी बहुत कम है उसको अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, उसको हमें अकोमोडेट करने के लिए और ज़्यादा स्पेस चाहिए है। ठीक है, ये कितने बनते हैं देखें, यूनिट 10,000, 100,000। ठीक है, ये उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन, अराउंड अबाउट 4 बिलियन। ठीक है, 4 बिलियन से ज़्यादा आपके पास एड्रेसेस है, लेकिन फिर भी ये कम है। तो इन न्यू डिवाइसेस को अकोमोडेट करने के लिए अभी भी ये कम है, तो उसके लिए, ठीक है, स्पेस आपके पास ये कम है, तो उसके लिए अभी क्या किया गया है, अभी न्यूली ये बनाई गई है टेक्नोलॉजी एक, जिसको हम कहते हैं IPv6। ठीक है, IPv6 एड्रेस। अब इसमें क्या चेंज कर दिया गया है वो भी हम देखते हैं। IPv6 में आपके पास कितने बिट होते हैं, 128 बिट। तो ये वैल्यू क्या होगी जी, ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें एड्रेसेस कितने होंगे, 2 की पावर 128। तो 2 की पावर 128 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, इतने ज़्यादा एड्रेसेस ये मतलब ऑक्यूपाई कर सकता है, तो इतनी डिवाइसेस तो कभी बन ही नहीं सकती। ठीक है, वो तभी होगा जब इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इतनी मतलब कि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 16 बाइट्स। इसमें कितने बाइट हैं, 16 बाइट, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। 16 बाइट का आपके पास एक एड्रेस है। ओके, इट हैव 8 ग्रुप्स। देखें पीछे IPv4 वाले में कितने थे, उसमें 4 ग्रुप थे, इसमें कितने ग्रुप हैं, 8 ग्रुप्स हैं। ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यूज़, इसमें कौन सी वैल्यूज़ हैं, हेक्साडेसिमल मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी उसमें। हेक्साडेसिमल नंबर अगर आपने पढ़े हुए हैं तो, ठीक है, अगर नहीं पढ़े हुए तब भी देख लें, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास जो हमने पढ़ा ना नंबर, कितने टाइप के हैं, बाइनरी है, ऑक्टल है, ठीक है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ठीक है, BCD है, बाइनरी कोडेड डेसिमल है, ये सब चीज़ें आपने मैं भी पढ़ी हूँ, अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे इनको डिटेल से। ठीक है, अब फिलहाल आप याद रखें कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनकी वैल्यूज़ को सेपरेट किया जाता है बाय द कॉलन साइन। ठीक है, पीछे हमने देखा IPv4 में उनको सेपरेट किया जाता है बाय द डॉट सिंबल, इनको सेपरेट किया जाता है बाय द कॉलन साइन। चलिए जी, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ IP एड्रेसिंग। ठीक है, IP एड्रेसेस की टाइप्स कितनी हैं, पहले हमने देखा कि IP एड्रेसेस के वर्जन कितने हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसकी दो टाइप्स होती हैं, सबसे पहले है स्टैटिक IP, उसके बाद है डायनामिक IP। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं इसकी, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या है, फिक्स, और डायनामिक का मतलब क्या है, जो बार बार वैल्यू चेंज हो रही होती है, डायनामिक, ठीक है, चेंज हो रही होती है। तो अब आपके पास क्या है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो देता है कौन सी IP, स्टैटिक IP। ठीक है, हर डिवाइस को। उसके बाद डायनामिक IP कौन देता है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, DHCP आपके पास हमें देता है डायनामिक IP एड्रेसेस, कि जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो DHCP सर्वर होता है, DHCP, ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एक सर्वर होता है ये, जो हमें एड्रेसेस, IP एड्रेसेस असाइन कर देता है। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे, हर सेशन के लिए एक नया IP एड्रेस असाइन होगा हमें। ठीक है,
स्टेटिक आईपी एड्रेस डू नॉट चेंज, ठीक है, ओपनली स्टेटिक आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं होते, मोस्टली ये एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं सर्वर्स को, ठीक है, जो बड़े बड़े कंप्यूटर हैं उनके एड्रेसेस क्या होते हैं, स्टेटिक होते हैं, और जो डायनामिक आईपी एड्रेसेस हैं गेट चेंज्ड इन एवरी न्यू सेशन, ठीक है। फॉर सपोज अभी मैं अगर इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, ठीक है, तो मेरा आईपी एड्रेस अलग होगा, अगर मैं कुछ देर के बाद फिर दोबारा कनेक्ट होऊंगा तो मेरा आईपी एड्रेस अलग होगा, ठीक है। हेयर आर सॉरी दीज आर लेस सिक्योर, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। दीज आर लेस सिक्योर, स्टेटिक आईपी एड्रेसेस क्या हैं, लेस सिक्योर हैं, और जो डायनामिक आईपी एड्रेसेस हैं वो स्टेटिक आईपी से ज़्यादा सिक्योर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, टॉपिक हमारा एंड हो चुका है, ठीक है। हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं टॉपिक का, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा है आईपी एड्रेसेस के वर्जन कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सी यू, अल्लाह हाफिज़।